लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किया था, थोड़ा सा रह गया था कंबशन वाला पोर्शन। तो आइए आज पढ़ लेते हैं पहले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैसे होता है, कैसे जलाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स कैसे होते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जानेंगे। आइए पहले बात करते हैं कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना, और किसी को भी जलाने के लिए सबसे जरूरी, सबसे रिक्वायर्ड चीज होती है ऑक्सीजन। देखिए कैसे जलाते हैं। यदि आपके पास हाइड्रोकार्बन है तो जलाने के लिए आपके पास कार्बन होगा, जलाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन। यदि मैं कार्बन को जलाऊंगा बेटा तो कार्बन को जला के प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2। अब बताइए कार्बन के एक मोल को जलाने के लिए या CO2 को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, एक मोल ऑक्सीजन चाहिए। पर H2 के एक मोल को जलाने के लिए केवल एक O यानी आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन के मोल रिक्वायर्ड होंगे पर मोल ऑफ कार्बन या पर मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे रिक्वायर्ड होंगे, तो हम कहेंगे कि 1 mole O2 is required। ये हमें रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, पर कार्बन, या ऐसे बोल दूं पर मोल कार्बन, एक मोल कार्बन। बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितना, 0.5 mole या 0.5 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड पर मोल H2। क्लियर? अच्छा यदि मैं इन दोनों को मिला के बात करूं इसकी CH2, इसे जलाना है कार्बन और हाइड्रोजन, तो जो कार्बन है वो किसमें बदलेगा, CO2 में। जो हाइड्रोजन है वो किसमें बदलेगा, H2O में। यानी पर CH2 कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2, यानी 1 mole ये और आधा मोल ये, 1.5 mole, यानी मैं बोल सकता हूँ कितना चाहिए, 1.5 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ये चाहिए आपको किसके लिए, पर मोल CH इसके। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने CH2 के लिए क्यों लिया या पर मोल आप क्यों लिख रहे हैं। एक्चुअली जब मुझे जलाना होगा मैं इनको जलाऊंगा जब, तो बेटा सब में ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो कार्बन कितनी ऑक्सीजन चाहेगा, हाइड्रोजन कितनी चाहेगा, CH2 कितनी चाहेगा। और CH2 को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे होमोलोगस, उनमें CH2 का डिफरेंस होगा, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए ये तो हमें पता चला कि एक कार्बन है तो 1 mole ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है तो आधा मोल ऑक्सीजन, और एक CH2 के लिए 1.5 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ये हमें पता चला। इसकी मदद से यदि मैं कुछ रिएक्शंस लिख के देखना चाहूं, जैसे शुरुआत करता हूं मैं इससे, क्या है CHO, तो CH2 से तो ज्यादा है, यानी 1.5 mole से ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी, तो जरा देखिए कितनी लगेगी। आइए कैसे बैलेंस करेंगे ये सीखिए। ऑक्सीजन इज हियर, एरो खींचा, कार्बन किसमें बदलेगा, CO2 में, हाइड्रोजन किसमें बदलेगा, ट्वाइस H2। मैं इधर से भी बैलेंस कर सकता हूँ, जरा देखिए कितने, 2O और 2O, 4O, 4 के लिए 2O। ये मैं यहाँ से भी बैलेंस कर सकता हूँ, कैसे, एक कार्बन के लिए 1 O2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के लिए आधा O2, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 1 O2, O2 plus O2, 2, कर सकता हूँ ना बेटा। फिर से समझना कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए 1 O2, कितने हाइड्रोजन है, ध्यान से देख, 4 H2, 2 हाइड्रोजन के लिए, यानी H2 के लिए आधा मोल, तो 2H2 के लिए 1 mole, तो 1 mole और 1 mole कितने हो गए, 2 mole, यानी 2 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब देखो चाहे उधर से बैलेंस करो चाहे इधर से, फिर से देखना दो तरीके होंगे। पहला मैंने क्या लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन या C2H6, पक्का बताओ यहां से यहां तक डिफरेंस किसका है, तो आप पाएंगे CH2 का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2 का डिफरेंस है, यानी कितने 1.5 mole ऑक्सीजन और आ जानी चाहिए, तो 2 थे 1.5 और ले आओ 3.5 हो गए। या ऐसे सोचना एक कार्बन के लिए 1 O2, तो 2 कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन, सहमत है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 और 3 6, एक H2 के लिए आधा मोल, तो 3H2 यानी 6 हाइड्रोजन के लिए आधा प्लस आधा प्लस आधा 1.5 mole, तो 2 ये रहे 1.5 ये रहे 3.5 mole,
या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ऐसे, कितने कार्बन है, दो, तो आई विल मेक ट्वाइस CO2, दो CO2 बना देता हूँ बेटा यहाँ पर, तीन तीन छह हाइड्रोजन है, 3H2O बना, ऑक्सीजन गिन लीजिए, दो दूनी चार और तीन सात, यानी 3.54। समझ में आया, क्लियर है मेरी बात? चलिए एक और ले लेते हैं, सपोज करिए उसने कहा C3H8+, फिर से देखो CH2 का डिफरेंस, यानी डेढ़ और जुड़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से डेढ़ और जोड़ दीजिए तो 5, कितने कार्बन है, 3, थ्राइस CO2, क्लियर, कितने हाइड्रोजन है, 8, तो 4H2 जोड़ के देखिए, 3 × 6 = 10, 5, क्या समझ में आया है बेटा, मैंने क्या समझाया है, कितने कार्बन है, 3, एक कार्बन के लिए एक मोल, तो 3 कार्बन के लिए 3 ऑक्सीजन, H2 के लिए आधा मोल, तो 4H2 के लिए, H2 के लिए आधा मोल, एक H2 में आधा, तो 2H2 में एक, तो 4H2 में दो, तो 3, ये दो हाइड्रोजन के लिए टोटल 5 मोल्स, आ रहा है बच्चा समझ में या नहीं, समझ में आई है रिएक्शंस कैसे लिखी हैं, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? चलिए थोड़ा सा मैं और सीखना चाहूंगा, एक नीचे वाली इक्वेशन हटा, समझ तो गए ना क्या था? अब जरा ध्यान दीजिएगा, H2 के लिए आधा मोल है, कार्बन के लिए एक मोल है, CH2 के लिए डेढ़ मोल है, इनका इस्तेमाल करूंगा, आगे बढ़ा रहा हूं इसको ऐसे करके, और यहां से देखिए, ठीक, इसको भी थोड़ा सा हटा रहा हूं, और फिर से लिख दूंगा थोड़ा सा नीचे करके, मुझे जरूरत है एक्चुअली इनकी, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बस, तो क्या लिखा था मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस कितने ऑक्सीजन थे, 3.5O2, क्या बना था बेटा, ट्वाइस CO2 प्लस 3H2, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल्केन से एल्कीन बना रहा हूँ, तो एक एच इधर से निकाल रहा हूँ, एक एच इधर से निकाल रहा हूँ, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो हाइड्रोजन कम हो गए, फिर से देखना, एक एच इधर से, एक एच इधर से और निकाल रहा हूं, एल्काइन बना रहा हूं, क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पक्का? अब मुझे यह चाहिए ऑक्सीजन, प्लस क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जरा समझिएगा थोड़ा सा, जो पीछे सीख किया है उसी के बारे में डिस्कशन है, देखना जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तो माइनस हो रही है हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन, एक, जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तो भी माइनस हो रही है क्या, हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन, एक, सही है, और एक हाइड्रोजन के लिए मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन के लिए कितनी मोल, हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन कम हो गई तो आधा मोल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्या यही मतलब है इस बात का बेटा, बोलिए क्या यही मतलब है, यदि आधा मोल, एक मोल हाइड्रोजन कम हुआ तो आधा मोल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो 3.5 थी, 3.5 से आधा मोल कम कर दे भैया तो कितने मोल आ जाएगी, 3, फिर आधा मोल कम कर दे तो कितनी आ जाएगी, 2.5। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो बैलेंसिंग हमने की है ये सही है या गलत, एरो खींचिए, देखिए कितना आसान, कितने कार्बन है बेटा, दो, तो दो कार्बन का मतलब ट्वाइस CO2 बना दीजिए, प्लस कितने हाइड्रोजन है, दो और दो चार, 2H2 वो बना दीजिए, ऑक्सीजन गिन लीजिए इधर, दो दुनी चार और दो छह, छह का मतलब 3, हो गई बैलेंस, यानी यहां से जब आप यहां पर आ रहे हैं, देखिएगा ऑक्सीजन कलर बदल देता हूं ताकि अलग से नजर आए, जब आप यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से देखिएगा, यहां से यहां तो कितनी, हाफ माइनस, क्यों माइनस हो रही है, क्योंकि एक H2 माइनस हो रही है, इसी तरह से जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो भी देखिए माइनस हाफ O2 हो रही, क्यों, क्योंकि एक H2 कम हो रही है, तो एक हाइड्रोजन कम होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब जरा देखिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, क्या जो बैलेंस है वो सही है रिएक्शन या नहीं, दो कार्बन है तो ट्वाइस CO2, दो हाइड्रोजन है तो एक H2O, एक और चार पांच, ढाई इंटू दो पांच, तो समझ में आया, यानी एक मोल हाइड्रोजन कम होगी तो आधी ऑक्सीजन कम लगेगी, ध्यान से देखना,
आधी ऑक्सीजन कम लगेगी। एक मोल हाइड्रोजन बढ़ेगी तो आधी मोल ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी। दो मोल हाइड्रोजन, दो मोल एच टू बढ़ेगा तो एक मोल ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी। समझ पा रहे हैं? एक कार्बन के लिए एक मोल O2 है, एक मोल H2 के लिए आधा मोल O2 है, एक मोल CH2 के लिए डेढ़ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है या कम हो जाती है जैसा उसमें आए। इतना समझ में आया? चलिए एक एक करके और देखना चाहता हूं, इसमें कहीं डाउट लग रहा हो बताइए, नहीं है आगे बताए। कोई एक उठा लेता हूं पर्टिकुलर, ठीक है, सबको लूंगा एक एक करके। सपोज करिए पहले मैंने एल्केन को ही ले लिया, तो मैं शुरू कर रहा हूँ एल्केन को यहाँ से। आई विल टेक सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस 3.5 O2, जो कि अभी आपने लिखा था, क्या बना था, ट्वाइस सी ओ टू प्लस 3H2। ये रिएक्शन अभी हमने पीछे देखी, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसमें एक सी एच टू डाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा, C3H8। क्या डाला मैंने, एक सी एच टू, याद रखिएगा क्या डाला, और थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ कि सी एच टू है C3H8 प्लस, क्या लिखेंगे O2। अब देख कितने तरीके, तरीका सुनना। पहला, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मैंने इस पे क्या ऐड किया है, प्लस ऐड किया है एक सी एच टू, सहमत है? यदि एक सी एच टू ऐड किया है तो यहां से यहां तक आने में कितनी ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, 1.5 O2। तो 3.5 था, 1.5 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 5 O2, सही है? बैलेंस करके चेक करें, चेक कर लेते कितने कार्बन है, 3, तो थ्राइस सी ओ, कितने हाइड्रोजन है, 8, तो 4H2, 4, 3 दुनी 6 और 4 10 5 O2, बिल्कुल ठीक। और आगे बढ़ जाते हैं, 3 के बाद चलते हैं C4H10 प्लस। फिर से एक नजर डालिए, यहां से यहां तक आने में आपने एक CH2 ही तो जोड़ा है, देखिए बस इसी को तो जोड़ा है, एक CH2। और यदि एक CH2 जोड़ा है तो यहां से नीचे आने में फिर से आप 1.5 ही O2 तो जोड़ेंगे, क्योंकि एक CH2 के लिए 1.5 होता है। और यदि आप 1.5 जोड़ेंगे बेटा तो 5 में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6.5 O2। पक्का? देख लेते हैं कितने कार्बन है, 4, तो आई विल गेट 4 CO2। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 10, 5H2। 4 दुनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन है, 13 यानी 6.5 O2, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं लास्ट, अब की मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग C5H, कितने ऑक्सीजन लगेंगे पता नहीं, तो अब की मैं बैलेंस करूंगा ऐसे, कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन, तो 5CO2। कितने हाइड्रोजन है बताइए, 12, यानी 6H2। अब बताइए कितने हुए, 5 दुनी 10 और 6 16, 16 का मतलब 8। अब हम चेक करते हैं कि अपना जो कॉन्सेप्ट था वो ठीक था या नहीं, ठीक है, तो ये जरा चेक कर लेते हैं। बताइए यहां से यहां और यहां से यहां क्या चीज चेंज हुई, तो यहां से यहां आने में हमने केवल एक CH2 ऐड किया, यस और नो, इसे जोड़ा, तो कितनी ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी, 1.5 हो, और यदि आपने 6.5 में 1.5 जोड़ा तो 8 आता, इसका मतलब बिल्कुल सही। तो हम जैसे जैसे होमोलोगस में नीचे आते तो किसका फर्क आता है, CH2 का, यानी एक एल्केन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी एल्केन में आएंगे तो किसका फर्क आएगा, CH2 का फर्क आएगा बेटा। यदि CH2 का फर्क आएगा तो एक CH2 के लिए डेढ़ ऑक्सीजन का फर्क आता जाएगा, आप डेढ़ ऑक्सीजन जोड़ते जाइए आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता जाएगा। ये मैंने सारी रिएक्शन किसके लिए लिखी है, एल्केन के लिए। ऐसी ही रिएक्शन अब मैं एल्कीन के लिए लिखना चाहूंगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन एल्कीन के लिए लिखना चाहूंगा, कि यदि यही रिएक्शन एल्कीन्स में बनानी होती तो कैसे बने। चलिए एल्कीन्स में बनाते हैं, फिर से आइए एक बार, अब अपन एल्कीन्स की बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं एल्कीन सबसे छोटी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि मैं एथेन से एथिलीन में आऊं तो एक हाइड्रोजन H2 कम हो गया तो आधी O2 कम हो जाएगी, 3 O2 बची,
क्या बनेगा, ट्वाइस सी ओ टू प्लस टू एच टू, बैलेंस करके देख लीजिए गिन के, छह ऑक्सीजन इधर नीचे। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक बढ़ा रही है, सी टू एच फोर लिखा है बेटा, क्या एल्कीन का जनरल फार्मूला जानते हैं, सी एन एच टू एन, मैंने इसको बना दिया देखिएगा सी थ्री एच सिक्स, या मैंने इसे बना दिया सी फोर एच एट। अब कह रहा है कितने ऑक्सीजन, तो सबसे पहला काम जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हूं ना, यानी यहां से जब आप यहां आ रहे हैं या जब आप यहां से यहां आ रहे हैं, तो आप देखिए सी एच टू का डिफरेंस मिल रहा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं पूरे में, यहाँ भी सी एच टू का ही डिफरेंस मिलेगा, इसमें सी एच टू जोड़ दो, ये बन गया। यदि सी एच टू का डिफरेंस आ रहा है तो ऑक्सीजन डेढ़ डेढ़ जोड़ते जाओ, तो तीन में डेढ़ जोड़ो बेटा साढ़े चार, साढ़े चार में डेढ़ जोड़ो बेटा सिक्स ओ टू, लीजिए काम खत्म हो गया। अगर ऑक्सीजन के अमाउंट कितने कार्बन है, तीन, तो जितने कार्बन है उतने सी ओ टू, जितने हाइड्रोजन है छह उसके आधे वाटर, जितने कार्बन है उतने सी ओ टू, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर, किनके देख लीजिए ऑक्सीजन में क्वाइट बैलेंस, वेरी बैलेंस, जैसे मैंने एल्कीन्स में लिखा बिल्कुल ऐसे ही एल्काइन्स में आ जाते हैं सेम। किसकी बात कर लेते हैं, एल्काइन्स, हाइड्रोजन कम कर देते, एल्काइन्स में आ रहा हूं बेटा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सबसे छोटी एल्काइन, यहां से यहां आने में दो हाइड्रोजन कम किए हैं, एक एच इधर से एक इधर से, और एक एच टू यानी आधा ओ टू कम हो जाएगा, तो तीन से आधा कम हो गया, ऊपर लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले 2.5 ओ टू आ गया, क्या बना ट्वाइस सी ओ टू प्लस एच टू, ऐसे किया था ना, यदि भूल गए हो तो देखो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिखाया, आजा ये देखिए, ये एथिलीन थी, तीन ओ टू थे, एथिलीन से एथिलीन में एच टू कम हुई थी, ये चीज है ना। अरे बोलिए भाई, समझ में आ रहा है, तो हम किस पे पहुंच गए, इसी तरह से चलते चलते हम लोग एसिटिलीन पे पहुंच गए, देखिए पहुंच गए एसिटिलीन पे, अब इसी एसिटिलीन के नेक्स्ट मेंबर पे चलते हैं, तो एसिटिलीन का नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, ये तो हो गया है जो आपके सामने बना है सी टू एच टू, अब नेक्स्ट मेंबर होगा सी थ्री एच, इसका अगला मेंबर होगा सी फोर एच सिक्स, क्या जोड़ने हैं प्लस ओ टू, क्या जोड़ने हैं प्लस फोर, कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं हम ये चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फिर से एक बार चेक करिए कि जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो देखिए केवल एक सी एच टू का ही डिफरेंस है, इसी तरह से जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तब भी एक सी एच टू का ही डिफरेंस है, यदि सी एच टू का डिफरेंस है तो जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो 1.5 ऑक्सीजन, यहां से यहां आऊंगा तो 1.5 ऑक्सीजन का डिफरेंस आएगा, ले लीजिए ढाई में डेढ़ जोड़िए चार ओ टू, चार में डेढ़ जोड़िए साढ़े पांच, बैलेंस कर लीजिएगा अपने आप से, थ्राइस तीन कार्बन है तीन सी ओ टू, चार हाइड्रोजन है दो एच टू, चेक करिए चार सॉरी दो और तीन दूनी छह और दो आठ, यानी फोर, फोर सी ओ टू यानी आठ ओ हो गए प्लस थ्री एच टू ओ, आठ तीन ग्यारह हो गए, ग्यारह का आधा साढ़े पांच, चाहिए है समझ में रिएक्शंस क्या समझाया है मैंने, इसका मतलब ये हुआ यदि हम होमोलोगस में जाएंगे, मतलब एक एल्केन से दूसरी एल्केन में, एक एल्कीन से दूसरी एल्कीन में, एक एल्काइन से नेक्स्ट एल्काइन में, तो कितने ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा 1.5 हो, समझ में आया, मतलब मैंने आपको जो चीज सिखाई है यदि मैं उसको समराइज कर दूं एक छोटी सी जगह में, तो जरा आइए इसको समराइज कर लेता हूं सारा का सारा, यानी मेरे पास क्या था देखिएगा, समझिएगा मेरे पास क्या था, मेरे पास एक एल्केन थी, कोई भी एल्केन, या मेरे पास कोई एल्कीन थी, कोई भी एल्कीन, या मेरे पास कोई एल्काइन, कोई भी एल्काइन, ठीक है, यदि आप इनमें से किसी के भी नेक्स्ट होमोलोगस में जाते हैं, होमोलोगस तो याद है ना, होमोलोगस में जाते हैं नेक्स्ट होमोलोगस, किसका डिफरेंस होगा, डिफर बाय सी एच टू, केवल सी एच टू का ही तो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उसे जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी, तो कितनी ऑक्सीजन जुड़ेंगी 1.5 ऑक्सीजन,
ये ऐड करनी पड़ेंगी जलाते समय, क्योंकि एक CH2 जुड़ जाता है और CH2 के एडिशन के लिए इतना होगा। लेकिन इसी चीज को यदि मैं फिर से देखूं कि मेरे पास एक एल्केन है और मैं एल्केन से जाना चाहता हूं किसी एल्कीन, या मेरे पास कोई एल्कीन है मैं जाना चाहता हूं एल्काइन में, ठीक, और मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यानी यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो, तो बताइए जब एल्केन से आप किसी एल्कीन में जाएंगे तो माइनस करेंगे एक एच टू, जब एल्कीन से जाएंगे फिर माइनस करेंगे वन एच टू, इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन कितनी कम होगी, यहां से यहां आधी होगी, यहां से यहां आधी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है बेटा? इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक हाइड्रोजन माइनस हो, एक एच टू माइनस हो, और एक हाइड्रोजन के लिए हमेशा हमेशा याद रखिए एक हाइड्रोजन के लिए आधी ऑक्सीजन कम हो जाती। यानी उसने बोला कि हमारे पास एक एल्केन थी सपोज C4H10, हम इससे एल्कीन में गए यानी C4H8, देखिए दो हाइड्रोजन कम हुए। यदि वो कह रहा है कि इसको जलाने के लिए, इसे जलाने के लिए 6.5 O2 चाहिए, तो इसके लिए कितना चाहिए? आधा कम यानी 6 O2 चाहिए। क्या सहमत है मेरी बात से? यदि इसके लिए 6.5 ऑक्सीजन चाहिए तो हाइड्रोजन निकल गई, तो यहाँ आधी ऑक्सीजन कम चाहिए तो 6 O2 चाहिए, ये मतलब है। तो ऐसे एल्केन एल्कीन एल्काइन को चलाते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है जो मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट कुछ और है। क्वेश्चन करने को आसान बनाने के लिए मुझे उसे सीखना है, तो ये मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो जरूरी है मैं उस पर चलना चाहूँगा। तो चलिए इतना तो हम सीख ही गए कैसे क्या किया जाता है, क्लियर। अब मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, उस चार्ट में सारी चीजें सीखूं। तो याद रखिए यहां पर मैं सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन का एक मोल, यानी पर मोल हाइड्रोकार्बन, ये रहा, ठीक। और इस हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए यहां लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स बराबर किसके, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात है बेटा, क्योंकि हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, यानी यहां मैं लिखूंगा वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन कौन से हैं जरा बताइए। एक हाइड्रोकार्बन मेरे पास ये है जिसे हमने नाम दिया था इनके पहला, एक हाइड्रोकार्बन ये है जिसे नाम दिया था एल्कीन दूसरा, एक हाइड्रोकार्बन ये है जिसे मैंने नाम दिया था एल्काइन। अब मैं इसमें लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन से मैं लिए जा रहे हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले वन बाई वन एक एक करके, तो शुरुआत कर रहे हैं भाई एल्केन्स, ये रही आपकी एल्केन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड देख रहा है, मैं छोटा सा ऐसे करके चार्ट बना लेता हूं यहां पे, बस इतना बहुत है, बड़ा तो आप कितना भी बना लीजिए पर अपना इतने से काम उम्मीद है चले। ये आपका चार्ट है, ठीक है, जरा मैं थोड़ा सा छोटा कर दू सही से, ये आपका चार्ट। शुरू करें, चलिए सबसे पहले नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अपनी एल्केन की, एल्केन से शुरू करना भी है, तो नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं देखिएगा, शुरुआत करेंगे दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, फिर चार कार्बन और फिर पांच कार्बन, इतने से खेलेंगे पांच कार्बन तक। तो एल्केन जो होगी कितने कार्बन की, दो कार्बन की, उसके लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कलर ब्राइट, कितने मोल बताए थे मैंने आपको 3.5, याद है ना, इतने मोल एल्कीन, अब देखिएगा अभी पढ़ाया है एल्केन से एल्कीन में आएंगे तो आधा कम हो जाएगा 3, फिर आधा कम हो जाएगा 2.5, किसके मोल, ऑक्सीजन, याद रखिए किसके मोल, ऑक्सीजन, किसके मोल, ऑक्सीजन, क्या समझ में आया। अब जैसे ही मैं दो कार्बन से तीन कार्बन में जाऊंगा
यानी नेक्स्ट मेंबर में, तो डिफरेंस किसका आता है, सी एच टू का, तो डेढ़ बढ़ जाएगी, तो साढ़े तीन में डेढ़ जोड़ दो कितनी हो गई, पांच, आगे जाओगे फिर डेढ़ बढ़ जाएगी साढ़े छह, फिर डेढ़ बढ़ जाएगी तो साढ़े छह में डेढ़ बढ़ी तो आठ, समझ में आया है। यानी एथेन के लिए साढ़े तीन मोल, प्रोपेन के लिए पांच मोल, ब्यूटेन सॉरी ब्यूटेन के लिए साढ़े छह मोल, पेंटेन के लिए आठ मोल ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर। अब जब एल्कीन में आएंगे तो एथिलीन के लिए तीन मोल, अब तीन कार्बन की है, दो रास्ते, या तो इधर डेढ़ जोड़े या नीचे की तरफ आधा घटाए, दो रास्ते, आगे डेढ़ जोड़ते हैं नीचे आधा क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देख एल्केन से एल्कीन में आ रहा है, तो एल्केन से एल्कीन में आएगा आधा घटा दे, आधा घटा दे, आधा घटा दे, देख मैंने तो आधा घटाया है, पर तुम खुद ही ध्यान से आगे बढ़ के देखो, डेढ़ डेढ़ अपने आप जुड़ गया, तीन में डेढ़, साढ़े चार में डेढ़ जुड़ गया ना। अब इधर से देखो 2.5 था, एल्काइन में आ गए, डेढ़ जोड़ दे चार, फिर डेढ़ जोड़ दे साढ़े पांच, फिर डेढ़ जोड़ दे सात। अब नीचे की तरफ आके देख 0.5 का डिफरेंस आएगा, देखो साढ़े छह से छह, साढ़े पांच, क्या समझ में आया है, ये क्या बना है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि यदि मेरे पास पांच कार्बन की कोई एल्केन है तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आठ मोल। कहते क्या ये सच है, देख लेते हैं भाई किसी को भी बना के। अब दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन क्या आएगा इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। पहले इस चार्ट पे एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि इस चार्ट के साथ ही हमें खेलना है, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा और हाउ कुड यू अटेम्प्ट, आप करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फॉर टेन एम एल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनना, टेन एम एल ऑफ हाइड्रोकार्बन, 40 ml ऑफ ओ टू इज रिक्वायर्ड, is required किस काम के लिए, for complete combustion, ध्यान से सुनना, complete combustion, करे formula of hydrocarbon is, question ये है, बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला सवाल, कैसे करेंगे ये सीखिए। मैं जरा थोड़ी देर के लिए छोटा कर सारी चीजें मैंने जरा देखिएगा, पर मोल हाइड्रोकार्बन या पर वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन, इसमें कहीं चार नजर आ रहा है आपको, देखिए चार क्यों देख रहा हूं, ध्यान से देखना कितनी है बेटा, 10 ml, 10 ml के लिए कितनी चाहिए, 40 ml, यानी हाइड्रोकार्बन से कितना चाहिए, चार गुना, यानी एक मोल के लिए चार मोल, जिसे कह सकते हैं चार गुना चाहिए, आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं, 10 ml हाइड्रोकार्बन के लिए कितना चाहिए, 40 ml, तो एक के लिए कितना चाहिए, चार, सही है, एक के लिए चार, तो चार कहीं नजर आ रहा है, ये रहा चार, किस में नजर आया चार, जो बता रहा एल्काइन में, कितने कार्बन की एल्काइन, तीन, तो आंसर C3H, एल्काइन लिखनी है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, C3H4, answer. समझ में आया नहीं, चलो एल्केन एल्केन एल्काइन के जनरल फॉर्मूले बता देता हूँ, काम आएंगे आपके, जरा बताना एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन यानी क्या है n, आप समझ में आया, मिला के देखिए 10 के लिए 40 तो एक के लिए 4, तो पर मोल के लिए 4 कहाँ है, यहाँ जहाँ 4 मिला वही आंसर, तो 4 किस में मिला, एल्काइन में, कोई डिजिट रिपीट नहीं, 4 और कहीं नहीं मिलेगा पूरे में, देख लीजिए बस, क्वेश्चन कहते हैं हम गजब क्वेश्चन होते भैया, ऐसे ही होते हैं थोड़ा आसान आसान बच्चों वाले, तो उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए थोड़े क्वेश्चन और करते हैं ताकि मैं और ज्यादा थोड़ा समझ में आने लगे,
अभी तो पहला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, आइए और क्वेश्चन, फिर मैं इस चार्ट को दोबारा भी नीचे लिया थोड़े क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन दे रहा है कि फॉर 5 ml हाइड्रोकार्बन 35 ml ऑफ O2 is required for complete combustion, for complete combustion. There is a formula of hydrocarbon is. बताइए हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो मैं वापस आना चाहूंगा अपने ऊपर वाले चार्ट पर, सबसे पहले कहां वापस आना चाहूंगा बेटा, अपने ऊपर वाले चार्ट पर जरा मैं वापस आना चाहूंगा, छोटा हो जा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा छोटा है कर लेते, अब ठीक है, नजर आ रहा है पूरा कंप्लीट। चलिए भाई, तो जरा सबसे पहले जो सीखना है उस पर नजर डाल ली जाए कि हमें क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ध्यान से देखिए कितना है, 5 ml, ठीक है, और कितनी ऑक्सीजन मांग रहा है, 35, तो 5 के लिए 35, तो 1 के लिए 7, 5 के लिए 35 क्योंकि हमें पर मोल चाहिए होता है ना, या पर ml पर वॉल्यूम चाहिए होता है, तो 7 गुनी चाहिए, 7 ढूंढ का है भाई, 7 मिला हमें यहाँ पे, फिर से आ जाइए, 7 यहाँ मिला, ये तो 7 है ना, 7 गुना, तो 7 किस में मिला, एल्काइन में, कितने कार्बन की एल्काइन, 5, तो 5 कार्बन की एल्काइन का फार्मूला पूछ रहा है आपसे, तो n बराबर 5 रख दीजिए, तो 5 कार्बन की एल्काइन का फार्मूला क्या होगा ये आपको बताना है, तो मेरे ख्याल से तो 5 कार्बन की एल्काइन का फार्मूला होगा C5H8, n बराबर 5 रखो, 5, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8 आंसर। अब कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ, जब भी दिक्कत हो रही थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ में, क्या निकाल रहा हूं कुछ दिख रहा है आप, चलिए चार्ट आपके सामने रख देता हूं, पर मोल या पर वॉल्यूम देख रहा हूं, आइए और थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि मैं और थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगे क्वेश्चंस इधर लगा, फिर से क्वेश्चन देखो, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि इसी के लेवल में हमें नजर भी आए, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, फॉर 2 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितना ml हाइड्रोकार्बन है बेटा, 2 ml हाइड्रोकार्बन, कह रहा है कि 16 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन, कह रहे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन, बताइए कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन है। तो पहले ये बताइए ये कितना है, 2 ml, और उसके लिए कितना मांग रहा है, 16 ml, तो 1 के लिए 8, तो पर मोल कितना चाहिए, 8 मोल, 8 कहीं दिख रहा है, ये रहा और कहीं 8 नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना 8, तो इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या होगा, एल्केन होगा, कितने कार्बन की होगी, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की एल्केन होती है पेंटेन, C5H12 आंसर। अब कुछ समझ में आया इस चार्ट का मतलब क्या है भाई, एक्चुअली ये चार्ट इसीलिए मैंने आपको बनवाया था, मेरा इंटेंशन वो रिएक्शन में नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था जो हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन के इतने एमएल को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो इतने एमएल ऑक्सीजन खर्च हुई, बताइए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कहीं आपको डाउट लग रहा हो कुछ ना समझ में आया, बस केवल मैंने ये देखा कि पर ml पर वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पर मोल हाइड्रोकार्बन चाहिए था, यहाँ 2 ml था तो मुझे 1 के लिए निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम हो या मोल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने लिखा है या तो मोल्स हो या वॉल्यूम हो एक ही बात है,
तो मैंने एक पर वॉल्यूम या पर मोल के लिए निकाला कि वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आई, 6.5 आई, 8 आई, 7.5 आई, 5.5 आई, इस चार्ट से देखी और आपको बता दी सीधा सीधा। अब कहेंगे सर कि चार्ट दिमाग में होना चाहिए, क्या जरूरत है दिमाग में रखने की, अरे एक वैल्यू 3.5 याद रख ली कोई भी, बस केवल एक वैल्यू, यदि तुम्हें ये याद है तो आगे जाने पर 1.5 जोड़, नीचे आने पर 0.5 कम कर, तो मुश्किल थोड़ी था। क्लियर? तो ये था बेटा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कैसे होते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कभी इडियोमेट्री से खेलेंगे दोबारा से हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल मैं इसे हटा देता, हटा दूं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की और अब हमारी हेडिंग है अग्नि ऑक्सीडेशन। मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, उसी को सिखाने जा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से ऑक्सीडाइज होगा या नहीं हम कैसे जज करेंगे, कैसे जज करेंगे, सुनिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एलिमेंट से यदि ऑक्सीजन जुड़ी और उसी एलिमेंट से कहीं गलती से हाइड्रोजन जुड़ा है, याद रखिए इतनी यूनिट चाहिए बस, किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ी है उसी एलिमेंट से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये कंपाउंड बड़े आराम से ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीडाइज होके बनाता है, इस ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जैसा भी हो, पर ये वाली जो ऑक्सीजन है ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें, OH में इमीडिएट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये हाइड्रोजन है दे गेट ऑक्सीडाइज वेरी इजीली, और ये हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये कंपाउंड कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यानी आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे केवल इतना देखना है आपको, यदि एलिमेंट से O जुड़ा है उसी एलिमेंट से H जुड़ा है तो आपका कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो बड़े आराम से होगा ऑक्सीडाइज। कोई डाउट है किसी को बताइए, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट, बड़े आराम से हम उसे ऑक्सीडाइज करेंगे हमेशा। क्लियर है ये बात, समझ में आई है आपको? यदि ये बात समझ में आई है तो आइए इसको थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, मैं इसे हटा नहीं रहा ताकि आपको दिखता रहे। जैसे उसने कहा CH3 CH2 OH, क्या आप इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, वेरी इजीली, बड़े आराम से। कैसे? ये क्या है ध्यान से देखिए, ओ, ये ओ किससे जुड़ा है, इस वाले सी से, और इस सी पे ये दो दो क्या जुड़े हैं, एच जुड़े, सही है? तो आपका सी हो गया है एलिमेंट, यस और नो, इस एलिमेंट से ये जुड़ा है ओ, आगे कुछ भी जुड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, और इस एलिमेंट से दो जुड़े हैं हाइड्रोजन, तो ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन जुड़े ये तुरंत बदल जाएंगे OH में, इसका ऑक्सीडेशन बड़े आराम से होगा। और जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे मेरे बच्चे तो जरा देखिए कैसे ऑक्सीडाइज होगा, CH3 पर ध्यान दीजिएगा, और इससे जुड़े हुए दो H किसमें बदल जाएंगे, OH, दो ही H है ना, OH, और एक OH जैसा जुड़ा था वैसे जुड़ा रहेगा, ये बना। अब आप कहेंगे सर एक कार्बन पे दो H नहीं रह पाते, आप तो तीन तीन लगाए बैठे हैं, कोई बात नहीं बेटा हम वाटर हटा देते हैं, लीजिए हमने वाटर निकाल दिया, कुछ ज्यादा ही निकल गया है, फिर से हटाता हूँ। चलिए ये H और ये OH हमने वाटर निकाल दिया, जैसे ही आपने वाटर निकाला जरा बताइए क्या बचा, CH3 बचा, और क्या बचा, COOH, किसमें बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड, यस और नो? अब तुम कहोगे सर क्या दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां लिया गया उसकी पावर कैसी, हो सकता है वो एक को करे, हो सकता है वो दोनों को करे, ये तो डिपेंड करता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। पर हाँ, दोनों ऑक्सीडाइजेबल हैं, यानी दोनों को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है,
क्लियर है मेरी बात, और कुछ मॉलिक्यूल देखना चाहते हैं, ठीक है। ऊपर से बस रिसेंबल कराना है आपको, केवल मिलाना है। देखिएगा कुछ और देखते हैं, जैसे उसने बोला सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CH3 CHOH, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देख लेते हैं भाई, तो ये CH3 CH3, क्या ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें वैसी देखनी है, क्या ये आपका एलिमेंट है, यस सर, क्या इससे O जुड़ा है, जुड़ा है, क्या इसी एलिमेंट से H भी जुड़ा है, जी हाँ जुड़ा है। तो ये जो H जुड़ा है, जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा बेटा, नीचे वाले CH3 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये OH भी ऐसा ही रहेगा ये वाला, पर ये वाला जो H था C से जुड़ा वो किसमें बदल जाएगा, OH, यस और नो। और फिर से वही कि एक कार्बन पे दो OH साथ साथ नहीं रह सकते, क्या निकाल देंगे, वाटर, और जैसी बेटा आप वाटर निकालेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपको मिलेगा एक कीटोन। इसका मतलब यह है कि जब भी हम एल्कोहल सेकेंडरी लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएंगे, कीटोन्स, क्या बनेंगे बेटा, कीटोन्स बनेंगे, क्या सहमत है मेरी पास। और यहीं पर यदि मैं टर्शियरी एल्कोहल ले लेता, सपोज करिए ऊपर वाला हटा देता हूँ, यहीं पे बनाता रहूंगा ताकि दिखता रहे सर, यदि यहीं पे मैं टर्शियरी एल्कोहल ले लूं, जरा देखिएगा टर्शियरी एल्कोहल लेके CH3 CH3 CH3, कैसा एल्कोहल है, टर्शियरी, क्या टर्शियरी एल्कोहल के पास भी देखिए ये एलिमेंट है, जी सर, इससे ओ जुड़ा है, जुड़ा है, पर इस एलिमेंट से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यदि हाइड्रोजन नहीं जुड़ा तो आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। इसका मतलब कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से ऑक्सीडाइज होंगे वो आपको नजर आ गया, मैं किस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आराम से करा सकता हूँ, किस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता। तो कॉन्सेप्ट कुल मिला के हमारे पास क्या है, फिर से आ जाइए नीचे, कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये, यदि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि एलिमेंट से ऑक्सीजन और उसी एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप उस हाइड्रोजन को तुरंत OH में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और ऐसा नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं। चलिए देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स को पहचानते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होंगे या नहीं। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे तुमने बोला है CH3 CH डबल बॉन्ड O, जैसे उसने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे उसने लिखा है CHO, बेंजीन बना दी है नीचे, जैसे उसने लिखा है CH3, कौन से कंपाउंड है जो इनमें ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कौन से हैं जो नहीं। चलिए भाई, क्या ये आपका एलिमेंट है, यस सर, क्या इस एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ा है, जुड़ा है, क्या इसी एलिमेंट से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, जी जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। आइए, क्या ये आपका एलिमेंट है, जी सर एलिमेंट है, क्या इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, जुड़ा है, क्या इस एलिमेंट से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, देखो नहीं जुड़ा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब ये एल्डिहाइड ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखो जिस सी से ओ जुड़ा है उसी सी से एच जुड़ा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ देखिए जिस कार्बन से ओ जुड़ा है, जिस कार्बन से ओ जुड़ा है उसी कार्बन से एच जुड़ा है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या समझ में आया है बेटा, कैसे ऑक्सीडेशन होते हैं, तो उन्हीं एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे जिनके पास इस तरह की हाइड्रोजन हो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा या नहीं पहचानना देखिए कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि कीटोन ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ नॉर्मली तो नहीं होते, अब नॉर्मली पॉप ऑफ रूल लगा के इसकी इनॉल फॉर्म बना के आप ऑक्सीडेशन करा लें, क्योंकि एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, आपने पढ़ा है एल्काइन का होता है, एल्केन भी कभी कभी हो जाते हैं ऑक्सीडाइज कुछ कंडीशंस में, मैंने आपको बताया था बेटा, लेकिन याद रखिए कीटोन कभी भी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास वो वाली हाइड्रोजन नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो इस हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो, इसके क्या बात समझ में आई है बेटा। तो चलिए मैं ऑक्सीडेशन सीखूंगा बाद में, आइए सबसे पहले कुछ रिएक्शंस को समझना चाहूंगा, फिर बाद में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी मिला दूंगा। आइए कुछ रिएक्शन लेते हैं, जैसे आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है RCH2OH, कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन कराया गया, या हमें कोई सेकेंडरी अल्कोहल दिया है CHOH,
कहते इसका ऑक्सीडेशन कराया गया, यह हमें कोई टर्शरी अल्कोहल दिया है, इसका ऑक्सीडेशन कराया गया, ये कुछ कंपाउंड्स कहते इनके ऑक्सीडेशन कराया गया, क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्या बनेंगे, तो ये वन बाई वन देखते हैं। इस पे ओ है, यस सर, इस पे सी है, यस सर, और इस सी पे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, क्लियर, यानी इसका ऑक्सीडेशन हम करा देंगे। यहाँ पर क्या ये सी है, जी सर, ओ जुड़ा है, जी सर, उसी सी से एच जुड़ा है, इसका भी ऑक्सीडेशन करा देंगे। ये एलिमेंट सी है, इससे ओ जुड़ा है, पर इस सी से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यानी इसका ऑक्सीडेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, तो हमने तो ऑक्सीडेशन में दो ही चीजें सीखी है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो होता तो यह है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, यदि मैं वन बाई वन जोड़ू एक एक करके, ध्यान से देखना कैसे जुड़ेगा, क्या बनेंगे प्रोडक्ट, सिखा रहा हूं। यदि मैं शुरुआत करूं तो आर सी एच टू ओ एच है, तो ये जो दो एच थे ये ओ एच में बदल जाएंगे, मैंने पहले केवल एक को बदला, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं किया, आधा ही किया बदला, पर एक कार्बन पे दो ओ एच रह नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या निकाल देगा, वाटर, और जैसे ही वाटर निकला जरा बताइए क्या बना, आर सी एच ओ, ठीक है। पलट के एल्केन के ऑक्सीडेशन में जाए तो वहां आपने सीखा था एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड। अब बताइए क्या एल्डिहाइड में भी वो हाइड्रोजन है जिसे हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बिल्कुल है, तो इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इसको OH में, तो ये ऑक्सीडाइज होके दे देगा आर सी ओ ओ एच, हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया। यहाँ पर क्या ये वाला एच भी ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कैसे होगा जरा देखिएगा, आर है, आर है, सी, एक ओ एच तो जुड़ा ही है, ये रहा, एक जो एच था वो भी ओ एच में बदल गया, फिर से वही एक कार्बन पर दो ओ एच, वाटर निकाल दीजिए, और जैसे ही वाटर निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन। अब कीटोन में कार्बन से ऑक्सीजन तो जुड़ा है पर इससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं जो आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि अभी मैं कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल अल्कोहल्स को देख रहा हूँ। टर्शियरी अल्कोहल नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एबनॉर्मली हो सकता है क्या, हाँ यदि ये एल्कीन वेल्कीन में बदल जाए तो शायद कुछ हो सकता है, नॉर्मली तो नहीं। तो इस तरीके से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। अब सवाल है सर हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं वो क्या है, वो बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और इसके लिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले किसकी, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाने वाले इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। याद रखिए मैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को किसके लिए देख रहा हूँ, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के लिए देख रहा हूँ। तो इस लिस्ट में जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता हूँ तो सबसे पहले नंबर पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है वो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे हम एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम किसी में भी लें और साथ में हीट करें। दूसरे नंबर K2Cr2O7, इसे भी एसिडिक मीडियम में लें और साथ में गर्म। तीसरे नंबर पर जिसका नाम है जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है, इट इज जोन्स रिएजेंट। ये दो होते हैं जोन्स रिएजेंट, फिलहाल एक से काम चला, बट इज जोन्स रिएजेंट। बट जोन्स रिएजेंट होता है बेसिकली CrO3+H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर, और इसे लेते हैं इन एसीटोन, इसमें एसीटोन में इसके साथ दिया गर्म कर सकते। तो ये जो बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं ये कितने, तीन, ये तीनों कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तीनों,
स्ट्रॉ। अब इन तीन के बाद आएंगे कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने ये थे। अब कौन कौन से, चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर चार। चौथे नंबर पर हम कॉपर को ले लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या यदि ये नहीं है तो आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी कई बार रिएक्शन में दिया जाता है। तो एक ही बात है बेटा, आप इसे ले लीजिए कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर, या कॉपर की ट्यूब को इतना गर्म कर लीजिए कि गर्म होके वो कैसी हो जाए, लाल हो जाए, तो हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे के बाद पांचवें नंबर पर, पांचवें नंबर पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है PCC, ऐसे लिखा मिलेगा, नाम होता है इसका पूरा पिरिडीनियम, पिरिडीन से बना है, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट इज द नेम, क्रोमेट ये इसका नाम होता है, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। है क्या ये पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, आइए जरा इससे भी मिल लिया जाए। ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल पिरिडीन ले लेते हैं, पिरिडीन जानते हैं ना बेटा, पिरिडीन एक एरोमेटिक बेस होता था ऐसे करके, ये है, इसे बोलते थे पिरिडीन। साथ में लेते हैं CrO3 और साथ में लेते हैं HCl, इनका मिक्सचर कहलाता है एक्चुअली पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये सब मिल जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, एक्चुअली ये होता है बेस, ये एच इसके पास आ जाता है, सीएल इसके पास चला जाता है, इस पर माइनस होता है, पूरा CrO3Cl इससे जुड़ जाता है और बना देता है PCC। ये भी एक क्या है, गुड, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आ जाइए छठे नंबर, छठे नंबर पर एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉलिंस रिएजेंट। क्या नाम है बेटा, कॉलिंस रिएजेंट, ये भी इस पिरिडीन का ही कॉलिंस रिएजेंट। बट इस कॉलिंस रिएजेंट इसमें भी हम क्या करते हैं, पिरिडीन ही लेते हैं, PY यानी पिरिडीन, ये जो आपने ऊपर ली है यही पिरिडीन लेते हैं, और पिरिडीन का CrO3 भी लेते हैं, बस HCl की जगह आप CH2Cl2 का यदि इस्तेमाल कर दे तो इसे बोल दिया जाता है कॉलिंस रिएजेंट। क्या नाम है इसका, कॉलिंस रिएजेंट। और इन दोनों को यदि मिला दे पांच और छह को तो एक सातवें नंबर का रिएजेंट मिलता है आपको नया, इसे कहते हैं सैरेट रिएजेंट, सरेट्स रिएजेंट। सरेट्स रिएजेंट, व्हाट इज सरेट्स रिएजेंट, सरेट रिएजेंट सुना भैया, सरेट रिएजेंट में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पीसीसी ले लेते हैं, पीसीसी में क्या आ गया, ये तीन आ गए, पीसीसी को मिला देते हैं CH2Cl2 में जो ऊपर लिया था, इन दोनों का मिक्सचर लिया है, तो ये कहलाता है सैरेट्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सैरेट्स रिएजेंट, बिल्कुल ऐसे ही होता है पीडीसी, जैसे पीसीसी है पीडीसी, इट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट नाम लिख देता हूं, इट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसका भी फॉर्मूला चाहिए, वैसे जरूरत तो नहीं है फिर भी आपको चाहिए तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें भी पिरिडीन ही बनाएंगे बेटा, आपको जो पिरिडीन थी ये रही, ऐसे करके, और क्योंकि ये जो पिरिडीन है पिरिडीनियम बोला है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसका होल ट्वाइस Cr2O7, इसे कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खत्म नहीं हुए हैं तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो कुछ कॉमन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर 9, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO, इसके साथ गर्म, थोड़ा स्पेसिफिक होता है ये MnO2, खास इसको इसकी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक OH इनटू कार्बोन,
यानी एल्डिहाइड या कीटोन में बदलते हैं। तो ये स्पेशल यूज होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन्स में बदलने के लिए। एलाइलिक याद है ना, डबल बॉन्ड का अल्टरनेट, बेंजाइलिक यानी बेंजीन के बाद वाला जो कार्बन आता है उसे बेंजाइलिक या एलाइलिक। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 10 पर। 10 और 11 पर जो मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ ये बड़े स्पेसिफिक हैं और इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। HiO4 एंड 11 नंबर पर, इसी के नीचे लिखना है, थोड़ी सी और बना लेते हैं। 11 नंबर पर हमारे पास है LTA, लेड टेट्रा एसीटेट। व्हाट इज दैट लेड टेट्रा एसीटेट? इट इज सिंपली CH3COO का होल 4P, इसे कहते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। लीजिए, इतने सारे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिए हैं कि एक साथ यदि मैं बोर्ड पे छोटे छोटे भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद लाना मुश्किल पड़ रहा है। इतने छोटे लिख हो गए हैं, थोड़ा और कर लेता हूँ, शायद आ जाए। चलिए अब आ गए, थोड़े ज्यादा छोटे हो गए पर आ गए हैं। ये हैं आपके पास कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन्हें हम एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल करेंगे। 11 आपके सामने बने हुए हैं, एक दो नहीं है, कितने बने हैं? 11। इनके फंक्शन हमें देखने हैं भाई कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कोहल्स, इनके बारे में। तो चलिए, थोड़े छोटे छोटे जरूर हैं, नीचे के जो दो हैं उन्हें यदि मैं हटा भी दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए अभी भी नीचे के दो हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अब शायद काम चलेगा। अब ठीक है, क्लियर? तो हम 8 तक के साथ खेल रहे हैं, वैसे भी 8 के आगे हम जाएंगे, बस इतने के ही साथ हमें खेलना है, इन 8 के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हमने थोड़ी देर पहले अभी ऑक्सीडेशन सीखे थे भैया, उन्हीं ऑक्सीडेशन को वापस ला। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन सिखाया था। यदि आपके पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है और आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस ऑक्सीडेशन में आपको मिल सकता था COOH, ठीक? या यदि मैं इसकी पहली स्टेप के ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता था। करके दिखाया था ना मैंने, दोनों को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड, एक को करोगे तो एल्डिहाइड। या मेरे पास सपोज करिए कोई सेकेंडरी एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है ये? सेकेंडरी एल्कोहल। और इस सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मैंने आपको बताया था निकाल के क्या बनाया था, कीटोन। उम्मीद है भूले नहीं होंगे, याद है, कहते इन रिएक्शंस को कराना है। तो देखिए कितना आसान है समझना, यदि आप इस वाले ग्रुप को एसिड में डायरेक्ट बदलना चाहते हैं तो आप रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट नंबर 2 या रिएजेंट नंबर 3 में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी KMnO4, K2Cr2O7 एंड जॉन्स रिएजेंट। गर्म करना है तीनों के साथ तो आपको एसिड मिलेगा हमेशा। लेकिन यदि आप एल्डिहाइड तक आना चाहते हैं तो आप रिएजेंट नंबर 4, रिएजेंट नंबर 5, रिएजेंट नंबर 6, रिएजेंट नंबर 7 या रिएजेंट नंबर 8 का इस्तेमाल करें तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इसी तरह से बेटा, यदि सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है और आप कीटोन में जाना चाहते हैं तो आप रिएजेंट नंबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, सारे के सारे इसे कीटोन्स में बदलें। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा, ठीक है? रिएक्शन सर करके दिखाइए, आइए रिएक्शन करके देखते हैं। मैंने आपको इनके फंक्शन दिखाए थे, फंक्शन देखिए क्या फंक्शन। अब मैं आपको इनके रिएक्शन करके दिखा देता हूं, आइए जरा चलते हैं रिएक्शन, थोड़ी रिएक्शन देखना चाहता हूं। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल लिया, उसने लिया है CH3CH2OH, सिंपल सा एथिल अल्कोहल, ठीक है? या उसने लिया है ऐसा कोई अल्कोहल जिसे हम कह सकते हैं CH2OH, और यहाँ बेंजीन लगा दिया,
ऐसा हो गया। अब वो कह रहा है कि आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ठीक, दो अलग अलग ढंग से कह रहा है आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया। पहला हमने कराया किस KMnO4 एसिडिक मीडियम गर्म, और दूसरा हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया PCC, ठीक है। तो बताइए यही CH2OH था जिसे ऑक्सीडाइज करना था, यदि इसे लिया तो एसिड में कन्वर्ट होगा यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा COOH, और यदि मैंने इसे लिया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा CH। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ किया है इसी टाइप की रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे। यदि हमने KMnO4 को लिया है एसिडिक मीडियम गर्म, और या हमने PCC को लिया है, ठीक, या कॉलिंस रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, किसी को भी ले लिया इसकी जगह, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, एसिड बेंजीन के ऊपर, और यहाँ मिलेगा एल्डिहाइड बेंजीन। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो ये मैंने आपको ढेर सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट दी है, उनके साथ मैंने आपको रिएक्शंस करके दिखाई है कि यदि हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी देन हाउ कुड वी मेक द रिएक्शन, तो हम रिएक्शंस को कैसे बना सकते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे MnO2 सीखना है, और भी कुछ रिएक्शंस मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट नॉट टुडे, इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक्स सभी की, कैसे बनाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, MnO2 का कैसे बनाएंगे, HIO4 कैसे करेंगे, LTA कैसे करेंगे, और सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शंस पॉप अप फ्यूल के साथ। पर आज नहीं बेटा, आज हम इसे केवल रखेंगे यहीं, ठीक है। अगली क्लास में मैं ऑक्सीडेशन आपके खत्म करा दूंगा, मिलेंगे अगली क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।